हेलो एवरीवन, होप एवरीवन डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी सर। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और आज इंटीग्रेशन पे लेक्चर नंबर 12 है, दैट इज इंटीग्रेशन पार्ट 12। होप दैट आपने इसके प्रीवियस के ऑल 11 पार्ट्स देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे और उसकी प्रैक्टिस भी किए होंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। माई डियर स्टूडेंट्स, इन पार्ट 11 में हमने इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक किया था। आज का टाइप जो है इट इज सिमिलर टू पार्ट 11, टूडे लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। सो दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स, विच इज न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए टाइम्स डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। प्रीवियस टाइप जो कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक था, उसका भी मेथड माय डियर स्टूडेंट सेम था। तो अगर आपने पार्ट 11 अच्छे से देखा होगा तो डैम श्योर आपको पार्ट 12 बहुत इजी लगेगा। नाउ हियर स्टेप वन, लीनियर इज इक्वल टू, मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए टाइम्स डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, देन टेक फाइंड द डेरीवेटिव, ओपन द ब्रैकेट, ठीक है, इक्वेट बोथ द साइड, यू विल गेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंड फाइनली रिप्लेस न्यूमरेटर दैट इज पी एक्स प्लस क्यू बाय ए टाइम्स टू ए एक्स प्लस बी प्लस बी। ये सारी चीजें हमने पार्ट 11 में डिस्कस की है। सो पार्ट 12 भी सेम है, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ पार्ट 12। बी रेडी एवरीवन। वेलकम बैक एवरीवन, लेट अस स्टार्ट। हियर देर आर थ्री प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री। मैंने थ्री प्रॉब्लम्स लिए हैं। आई एम गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर वन एंड प्रॉब्लम नंबर टू, एंड प्रॉब्लम नंबर थ्री इज होमवर्क टू यू। प्रॉब्लम नंबर थ्री का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, उसे रिफर कर लेंगे। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन। सो वी विल स्टार्ट, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x plus 8 upon under the root that is x square plus 6x plus 13 with respect to x. What is the steps? Let numerator that is 2x plus 8 is equal to a times derivative of denominator that is x square plus 6x plus 13 plus b. नाउ ये जो क्वेश्चन है उसको इक्वेशन नंबर वन देना है। नाउ फाइंड द डेरिवेटिव, सो ए टाइम्स व्हाट इज द डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 6x का डेरिवेटिव 6, 13 का डेरिवेटिव 0 प्लस बी, ओपन द ब्रैकेट, वी विल गेट 2ax प्लस 6a प्लस बी। डियर स्टूडेंट्स, 6a प्लस बी ये आपका कॉन्स्टेंट है, and what is the coefficient of x, x ka coefficient is 2a. Now what is the left hand side, left hand side is 2x plus a, so what is the coefficient of x, that is 2. Now equating both the side, dono side equate karo, on equating, now what is the coefficient of x, that is 2a, what is the coefficient of x, that is 2, so 2a equal to 2, a ki value ho gayi 2 upon 2, ए की वैल्यू हो गई 1, एंड सिमिलरली व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, 6a प्लस बी विच इज इक्वल टू 8, यहाँ पे कांस्टेंट 8 है विच इज इक्वल टू 8, a के जगह पे 1 डाल दो, a की वैल्यू आ गई ना सब्स्टिट्यूट, तो 6 इंटू 1 प्लस बी इज 8, 6 प्लस बी इज इक्वल टू 8, नाउ व्हाट इज बी, बी इज 8 माइनस 6, फाइनली यू विल गेट बी की वैल्यू, तो हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई। नाउ ये ए और बी की वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हम ए और बी की वैल्यू यहाँ पर करेंगे जो हमने अज्यूम किया था जिस डेरिवेटिव के बाद वाले स्टेप्स में, याद रखिएगा यहाँ पे हमने डेरिवेटिव फाइंड किया ना, तो जिस स्टेप में आपने डेरिवेटिव फाइंड किया उसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए और वहां पुट करिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 2x + 8 = फ्रॉम
इक्वेशन टू, लीजिए 2x + 8 इज इक्वल टू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? वन टाइम यहाँ पे पुट करिए ए के जगह पे वन, तो वन टाइम 2x + 6, वन टाइम 2x + 6 प्लस बी, व्हाट इज बी? बी इज 2. नाउ देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन न्यूमरेटर, व्हाट इज द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर आपका 2x + 8 है, ध्यान से देखिए इसको रिप्लेस करेंगे. नाउ व्हाट इज द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर इज 2x + 8, सी हियर, ये आपका न्यूमरेटर है 2x + 8, देख रहे हैं आप. तो इस न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे. किससे रिप्लेस करेंगे? जो हमें ये मिला, दैट इज दिस पार्ट. सो यू विल गेट 2x + 6 + 2 अपॉन अंडर द रूट, व्हाट इज द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर इज 2x, डिनोमिनेटर x² + 6x + 13, x² + 6x + 13. नाउ आफ्टर दैट सेपरेट द डिनोमिनेटर, वी गेट 2x + 6, इंटीग्रेशन 2x + 6 अपॉन अंडर द रूट x² + 6x + 13 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन अंडर द रूट x² + 6x + 13 विथ रिस्पेक्ट टू x. क्या किया हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स? हमने इसको सेपरेट किया 2x + 6 अपॉन दिस, ये एक बार किया हमने. उसके बाद हमने 2 अपॉन डिनोमिनेटर हमने सेपरेट किया, क्या किया? सेपरेट. नाउ देयर इज वन फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन f(x) अपॉन अंडर रूट f(x). होप दैट आपको ये फॉर्मूला याद होगा. तो इंटीग्रेशन f(x) अपॉन अंडर रूट f(x) रहेगा. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला द आंसर इज 2√f(x + c). सो ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा? i = i = अब देखो ना इसका डेरिवेटिव देखो क्या होता है, 2x + 6 न्यूमरेटर में है कि नहीं है, है ना? तो जब f(x) का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होगा, अंडर रूट f(x) का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होगा, तो आंसर है 2√f(x). तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा बोलो? 2 टाइम्स डिनोमिनेटर, व्हाट इज द डिनोमिनेटर? दैट इज x² + 6x + 13. नाउ प्लस ये 2 क्या है? ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा. तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर द रूट x² + 6x + 13 विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ वी आर गोइंग टू कॉल दिस इज i1. अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे? i1. 2 टाइम्स अंडर द रूट x² + 6x + 13 प्लस 2i1, वेयर व्हाट इज i1? वेयर i1 इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर द रूट x² + 6x + 13. नाउ लेट अस कंसीडर i1. कंसीडर, अब हमें i1 सॉल्व करना होगा. कंसीडर i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर द रूट x² + 6x + 13 विथ रिस्पेक्ट टू x. दिस इज i1. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा वीडियो नंबर 9 लेक्चर नंबर 9 में मैंने इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक कराया है. होप दैट आपने देखा होगा. ये पूरा का पूरा लेक्चर I1, ये पूरा I1 इंटीग्रेशन रिवीजन है, दैट इज वीडियो नंबर 9 का. अगर आपने वीडियो नंबर 9 नहीं देखा होगा तो पहले उसे अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपको इसका इंटीग्रेशन निकालने में इजी लगेगा. लेट अस कंटिन्यू. नाउ x² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1. तो ये ऑलरेडी 1 है. उसके बाद हमें क्या निकालना है? थर्ड टर्म. तो आप थर्ड टर्म साइड में रफ कैलकुलेशन कर लो. व्हाट इज द थर्ड टर्म? थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 × कोएफिशिएंट ऑफ x. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? 6 होल स्क्वायर. 2 सी ए 6 कर देगा, 2 3 जा 6, तो वी गेट 3 स्क्वायर. व्हाट इज 3 स्क्वायर? 9. तो थर्ड टर्म क्या मिल गया? 9. तो लेट्स कंटिन्यू. i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर द रूट. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज x² + 6x. नाउ व्हाट इज द थर्ड टर्म? थर्ड टर्म हमें 9 मिला.
प्लस नाइन माइनस नाइन, उसके बाद क्या आएगा बोलो? उसके बाद आएगा प्लस 13 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें से फर्स्ट थ्री टर्म को ब्रैकेट में ले लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन टर्म कहाँ आ जाएगा? ब्रैकेट में। सो वी गेट आई वन इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन, नाउ लेट्स कंटिन्यू। ये होल स्क्वायर है, क्या है? होल स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये? तो आप यहाँ पे एक्स लिख दो। नहीं देखो, ये स्क्वायर किसका? थ्री का स्क्वायर है ना, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज 13 माइनस नाइन? प्लस फोर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वी गेट इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज फोर? फोर इज स्क्वायर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ यहाँ पे अंडर रूट आएगा बच्चों, केयरफुली, मैं यहाँ पे रूट डालना भूल गया, तो हम लोग यहाँ पे अंडर रूट डाल देते हैं, केयरफुली डालेंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है। यस, यहाँ पे अंडर रूट आएगा। सिमिलरली अंडर द रूट दिस। ओके लेट्स कंटिन्यू। सो वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला, विच फॉर्मूला? दैट इज इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो। व्हाट इज इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर? विच इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला है। तो लेट इज अप्लाई। यहाँ पे आपको ध्यान से देखिए, एक्स के प्लेस पे क्या है? एक्स प्लस थ्री, ये हमारा एक्स हो गया। एंड ए के प्लेस पे क्या है? दैट इज टू। लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो वी गेट आई वन इक्वल टू, आई वन इज इक्वल टू लॉग मॉड, व्हाट इज एक्स? एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब यही हो गया। ये कहां से आया? प्रीवियस स्टेप से आया। ये कहां से आया? प्रीवियस स्टेप। ये कहां से आया? यहां से। तो हम लोग डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन। सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन मॉड कंप्लीट प्लस सी वन। आपको याद होगा आई वन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सी वन लिखेंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हमें आई वन मिल गया। अभी ये आई वन को क्या करना है? या आई वन को सब्सटीट्यूट करना है। कौन से प्लेस पे सब्सटीट्यूट करना है? तो हम लोग इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थ्री, और हमें जो आई वन आया या आई वन के प्लेस पे सब्सटीट्यूट करना है। लेट अस गिव दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। नाउ पुट फोर इन थ्री, सो देयर फोर वॉट इज आई? आई इज, चलो इक्वेशन नंबर थ्री में जाओ। इक्वेशन नंबर थ्री क्या है? टू टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन, टू टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन। चलो उसके बाद क्या था? प्लस टू आई वन, तो प्लस टू, व्हाट इज आई वन? आई वन का जो हमने आंसर लाया वो टू आई वन। व्हाट इज आई वन? लॉग मॉड एक्स प्लस थ्री प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन मॉड कंप्लीट प्लस सी। दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट आपको ये सम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल दीज सम्स आर वेरी वेरी लेंथी एंड इट इज अ फोर मार्क्स प्रॉब्लम, बट ये बहुत इजी है, खाली आपको जस्ट प्रैक्टिस की जरूरत है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर टू, लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर टू। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर द रूट एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? आई इज इंटीग्रेशन अंडर द रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। हम लोग न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में एक्स प्लस वन है ना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वन करना है। केयरफुल रहिए, याद रखिएगा। क्यों ऐसा क्यों करना है उसका रीजन सुनिए। ये कौन सा टाइप का इंटीग्रेशन है? ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट लीनियर अपॉन लीनियर, ये टाइप का सम है। जब भी इंटीग्रेशन अंडर रूट लीनियर अपॉन लीनियर होगा तो न्यूमरेटर में जो टर्म है
उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। वाई वाई वी विल डू लाइक दिस, सो वी गेट इंटीग्रेशन अंडर द रूट एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अपन इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप एक्स प्लस टू का एक्स प्लस वन में मल्टीप्लाई करिए, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू, यू विल गेट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो फाइनली यू विल गेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, जब वो रूट के बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स प्लस वन, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा अपॉन अंडर द रूट, क्योंकि एक्स प्लस वन का स्क्वायर तो रूट के बाहर आ गया, तो एक्स प्लस वन आ गया, ये अंडर द रूट आ जाएगा, तो अंडर द रूट यस क्या आएगा अंडर द रूट, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट इज एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स प्लस टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो सम है वो इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते थे, डू यू रिमेम्बर इट, लेट न्यूमरेटर न्यूमरेटर दैट इज एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। नाउ आफ्टरवर्ड्स इसके बाद क्या करते हैं हम लोग ए टाइम्स इसका डेरिवेटिव लेते हैं, दैट इज टू एक्स, थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री प्लस बी, दिस इज एक्स प्लस वन, देन ओपन द ब्रैकेट यू विल गेट टू ए एक्स प्लस थ्री ए प्लस बी इज एक्स प्लस वन। नाउ इक्वेटिंग बोथ द साइड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज टू ए, यहाँ पे क्या है वन, सो वी गेट टू ए इज वन, सो वी गेट ए की वैल्यू हाफ, एंड सिमिलरली इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कॉस्ट, ये कॉन्स्टेंट व्हाट इज द कॉन्स्टेंट हियर, थ्री ए प्लस बी, सो वी गेट थ्री ए प्लस बी is equal to, what is the constant term here, 1, 3a plus b is 1, put a ke place pe half, so 3 into half plus b is 1, so what is b, 1 minus 3 by 2, 1 minus 3 by 2, so take LCM and solve, so you will get 2 minus 3 by 2, so what is b, b is minus half, so we get a ki value half or b ki value minus half, ye a aur b ki value kahan put karte hain hum log, ये डेरिवेटिव वाले स्टेप्स में, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। सो व्हाट वी गेट एक्स प्लस वन इक्वल टू फ्रॉम टू, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए टाइम्स, व्हाट इज ए टाइम्स, ए टाइम्स टू एक्स प्लस थ्री प्लस बी, व्हाट इज बी, माइनस हाफ। उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं कहां पे, इंटीग्रेशन में, सो हाफ टाइम्स टू एक्स प्लस थ्री माइनस वन बाय टू अपॉन अंडर द रूट, व्हाट इज द अंडर द रूट, अंडर द रूट क्या है देखो, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स। नाउ इसके बाद हम लोग क्या करते थे सेपरेट करते थे, दैट इज हाफ इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस थ्री अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो देखो ये रूट के अंदर जो इसका डेरिवेटिव ऊपर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव टू एक्स प्लस थ्री, सो देयर इज अ फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स होगा, तो उसका इंटीग्रेशन टू टाइम्स डिनोमिनेटर होता है, दिस इज द फॉर्मूला, वी यूज दिस फॉर्मूला, सो व्हाट यू विल गेट आई, यू विल गेट आई इज हाफ टू टाइम्स डिनोमिनेटर, व्हाट इज डिनोमिनेटर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ये हो गया आपका आई वन का इसका आंसर, आई वन का माइनस वन बाय टू, इसको आप आई वन दे दो, ये इंटीग्रेशन को मैंने आई वन दिया, that is 1 by root quadratic, this 2 to get cancelled, so we get I is under the root x square plus 3x plus 2 minus half I1, give this is number 3, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे I1 consider करेंगे, so what is I1,
आई वन इज इंटीग्रेशन 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक, 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक. व्हाट इज रूट क्वाड्रेटिक? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. माई डियर स्टूडेंट्स, यहां से मैं आपको होमवर्क देता हूँ. आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक है. फिर थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है. दैट इज वीडियो पार्ट नंबर 8 या 9 में मैंने, आप लेक्चर नंबर 8 या लेक्चर नंबर 9 देखिए, उसमें मैंने इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक कराया है, ठीक है बच्चों. तो आप इसका आंसर फाइंड आउट करिए, फिर ये आई वन के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर. माय डियर स्टूडेंट्स, इस सम को मैंने पूरा का पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सी हियर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस सम. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आंसर्स को फाइनली चेक कर लीजिए. आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है. आपको मैंने होमवर्क में ये पार्ट दिया है, ये आपका हाफ बाहर आ गया देख सकते हो, और ये रूट क्वाड्रेटिक 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक जो है उसका आंसर लॉग मॉड एक्स प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस सी, ये आएगा. आप चेक करके, आप सॉल्व करके अपना आंसर चेक कर लीजिए. ओके, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम. वन मोर सम आई वांट टू डिस्कस इट, दैट इज दिस क्वेश्चन. क्या करेंगे आप बताइए, न्यूमरेटर में क्या है, 1 प्लस एक्स. तो हम लोग क्या किए, हम लोग 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. नाउ ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सो यू विल गेट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ ये स्क्वायर है, तो ये जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो यू विल गेट 1 प्लस एक्स, और ये अंडर द रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डीएक्स. फाइनली वंस अगेन यू विल गेट लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक का 9, ठीक है. सो वही न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी. ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करिए, सब्स्टिट्यूट करिए, फिर आप इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे. आपको नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, आपका ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पे आपको ये हाफ बाहर आएगा और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक मिलेगा. आप सॉल्व करके माय डियर स्टूडेंट्स आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लीजिए. होप दैट आपको ये सब समझ में आया होगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक के सारे सम्स कराए हैं. होप दैट आपको समझा होगा. इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज इन द लेक्चर नंबर 13, वी आर गोइंग टू सॉल्व इंटीग्रेशन लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस 12 टाइप्स नहीं देखे होंगे, 12 पार्ट्स या 12 लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, आपको इंटीग्रेशन के सारे पार्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे. सारे पार्ट्स को अच्छे से देखें, समझें, नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें. बाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट. बाय एवरीवन.